नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इससे अगले वीडियो में हमने पढ़ा था बाल साहित्य के परिचय के बारे में, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं बाल साहित्य के प्रकारों के बारे में। तो हमारी कक्षा जो बीएससी वर्ष को लेकर है और इकाई 5 और प्रकरण है बाल साहित्य के प्रकार। बाल साहित्य के प्रकारों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले हम ये महत्वपूर्ण चीज समझेंगे कि बाल साहित्य है वर्तमान में लिखा जा रहा है, वर्तमान की दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान में जो लिखा गया बाल साहित्य है उसको हम दो भागों में विभक्त करेंगे। बाल साहित्य के प्रकार दो हैं, दो भागों में। अभी दो भाग में कैसे हैं तो समझने का प्रयास हम करेंगे कि जो हमारा पहला भाग है, मैं लिख देता हूं, पहला जो भाग है वह है पारंपरिक बाल साहित्य, वो है पारंपरिक। पारंपरिक बाल साहित्य और दूसरा जो साथियों है वो है आधुनिकतावादी बाल साहित्य। आधुनिकतावादी आधुनिकतावादी बाल साहित्य, तो सबसे पहले हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि आधुनिकतावादी बाल साहित्य क्या है और पारंपरिक बाल साहित्य क्या है। तो पारंपरिक बाल साहित्य के अंदर सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि पारंपरिक जो है नंबर एक पर बाल साहित्य है, इसके अंतर्गत वह साहित्य आएगा जो अपने भाव अथवा शैली या किसी दृष्टि भी यूं समझ सकते हैं कि किसी भी दृष्टि को अपनी पूर्व परंपरा से अपनी पूर्व की परंपरा से भिन्न नहीं है। इसको भी मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ कि साथियों, इसके अंतर्गत वह साहित्य आएगा जिसमें किसी भाव, किसी विचार अथवा शैली की दृष्टि, शैली मतलब उसका जो स्टाइल है, शैली का मतलब तरीका है, ढंग है, स्टाइल है, उसको शैली कहते हैं। तो शैली के अंतर्गत अपने पूर्व साहित्य, जैसा कि मैं आपको शैली में बता चुका हूँ कि उपनिषद है, पंचतंत्र है, कथा संसागर है या अन्य तरह के जो बाल साहित्य लिखे गए संस्कृत में हो या हिंदी में हो या हिंदी का रूपांतरण अनुवाद उनके द्वारा तो बाल साहित्य वर्तमान में लिखा जा रहा है, उनका अनुसरण किया जा रहा है जो अपनी पूर्ववर्ती, जो अपने पूर्व की परंपरा को किसी भी प्रकार से उन्होंने यहाँ पर परिवर्तित नहीं किया है, पूर्व की परंपरा को उन्होंने यहाँ पर बनाए रखा है, तो वह पारंपरिक
आएगा, ठीक है। तो आज भी जो लिखा जा रहा है जैसे बाल साहित्य चंपक है या मतलब बहुत सारे कार्टून कॉमिक्स जा रही है उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा वर्धक कहानियों को लिया जा रहा है। जैसे आप टी वी कार्टूनों को लेते हैं जैसे छोटा भीम आता है टी वी पर, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना एक ग्रामीण परिवेश लेता है, कहीं नैतिक विकास को उसने लिया है, वो बालकों में बहादुरी जिम्मेदारी या अच्छे कार्य को करने पर उस चरित्र के द्वारा दिखाया जाता है ताकि वह बालकों को शिक्षा दे पाए। उसने अपनी पूर्व परंपरा को नहीं परिवर्तित किया है, तो वो एक पारंपरिक बाल साहित्य के अंतर्गत विधा आएगी। अब अगले कार्यक्रम पढ़ते हैं हम, जिसमें लिखा हुआ है आधुनिकतावादी बाल साहित्य। अब इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ परंपरा वादी बाल साहित्य है, इसमें सारी कोई चीज आएगी जैसे पेड़ पौधे फूल पत्तियाँ तितली बादल है या पशु पक्षी या जानवर है। जैसे आप मान लो दीपावली को लेकर है या ऐसे अन्य विषयों को लेकर जो परंपरा से जुड़े विषयों को लेकर यहाँ पे काव्य रचना की गई है जो हमारी परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो साथियों अब आगे बढ़ते हैं आधुनिकतावादी जो बाल साहित्य है उस पर। इसके अंतर्गत वह बाल साहित्य आता है जिसमें नवीन मौलिक और आधुनिक विचारों की अभिव्यक्ति की गई है। अब ये मान लो कि ऐसा बाल साहित्य जो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अपने विचारों को अभी वर्तमान के समय में क्या ट्रेंड चल रहा है या यूँ समझे कि वर्तमान में किस प्रकार का जो माहौल है या वातावरण को देखकर काव्य रचना की जाएगी यथार्थ देखकर, तो वर्तमान समय में जो लेखक है कवि है वो क्या करेगा कि वर्तमान की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए काव्य रचना करेगा। इससे अभी वर्तमान में आप कार्टून चैनल देखते हो या बाल साहित्य देखते हो या ऐसे तमाम सारे के मतलब गेम्स या ऐप उपलब्ध है हमारे सोशल साइट पे है या मतलब बहुत सारे मोबाइल्स पे देखते हैं हम, तो कहीं ना कहीं बालक या बालकों के लिए जो सीरियल आते हैं धारावाहिक आते हैं उन्हें देखते हैं हम, तो कहीं ना कहीं एक आधुनिकता को लेकर एक चकाचौंध को लेकर वहाँ पर दिखाया जाता है। तो बालक ये इस परिवेश के बालक उस परिवेश को समझने में थोड़ी कठिनाई अनुभव करते हैं, लेकिन क्या होता है कि वर्तमान में जो चल रहा है उनको लेकर बालकों में एक जागरूकता जागरूकता के बारे में वो प्रचार प्रसार किया जाता है। तो सबसे उसमें यही बात है कि ये जो साहित्य मैं कहना चाहूँगा कि वर्तमान में जो बाल साहित्य है ये परंपरा तो नहीं है लेकिन मूल्यों पर आधारित है, हमारे मानवीय मूल्यों पर आधारित है। जैसे हमने देखा होगा एक थोड़ा सा उदाहरण होगा कि एक टीवी पे सीरियल आता है ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें क्या होता है कि बालकों की टोली के द्वारा कोई ना कोई नैतिक कार्य किए जाते हैं और वो समाज में कोई ना कोई शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, चाहे वो सामाजिक में जो जिसे कह सकते हैं कि जो दिखाई नहीं देता है या फिर जो गरीब निर्धन परिवार के बालक हैं उनके साथ दिवाली मनाते हैं या वो किसी तरह से असक्षम हैं उनके साथ किसी न किसी तरह वो आर्थिक सहायता पहुँचाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मान के चलो कि वो एक नैतिक विकास के साथ साथ बालकों में एक सामाजिकता के साथ साथ एक चारित्रिक गुणों का विकास भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो आज के लिए साथियों इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे।